हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कि ये फर्जी वैक्सीन बहुत ही मार्केट में चल रही है। एक टाइम था जब कोरोना से लोग मर रहे थे, बेचारे हाहाकार कर रहे थे, तब भी इन लोगों ने रेमडेसिविर और ऐसी ऐसी नकली नकली दवाएं मार्केट में लाए और लोगों को नकली नकली इंजेक्शन मार्केट में लोगों को लगाए। अरे यार, थोड़ा तो शर्म करो, आप थोड़ा तो शर्म करो। ये नकली दवाई और नकली वैक्सीन बनाने वाले, थोड़ा तो रखो। लोग वैसे बेचारे इस महामारी से मर रहे हैं और आप इनको और ऐसे गलत गलत डोज लगा रहे हो। आपको थोड़ा सा तो मोरल, वेयर इज योर मोरल? क्या आपका जमीर आपको गवाह देता है? लेकिन क्या करें, इस दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं और ऐसे ही करते हैं। अभी महाराष्ट्र, पुणे और वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, बहुत से लोगों को फर्जी वैक्सीन लगा दी। हाउ इट इज डिस्गस्टिंग यार, ये कैसा है? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? लेकिन नहीं, लोग कर रहे हैं और पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, फर्जी वैक्सीन लगा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। बॉम्बे में तो एक पूरी पूरी 500 लोगों की सोसाइटी वहां पे फर्जी वैक्सीन लग गई। क्या करें? तो आज मैं से कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि फर्जी वैक्सीन से आप कैसे बच सकते हो, और कुछ ऐसे आप रजिस्ट्रेशन के वक्त मैं से कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीकों को फॉलो करना, और कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप फर्जी वैक्सीन से बच सकते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप ये रूल्स और ये चीज़ें अगर आप ध्यान में नहीं रखो तो आपको भी फर्जी वैक्सीन लग सकती है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खराब है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, पैसे के लिए इंसान की जान भी ले सकती है। इसीलिए सतर्क रहें, और अभी ऐसा ही माहौल चाहिए, आप सतर्क रहें कहीं आपको फर्जी वैक्सीन ना लग जाए। तो आइए, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो रजिस्ट्रेशन जो आप करते हो उस वक्त आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, और जब आपको उसका सर्टिफिकेट मिले तब आपको क्या सावधानी रखनी है। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप फर्जी वैक्सीन लगने से आप बच पाओगे। आइए देखते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करें तब आपको क्या सावधानी रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ। नंबर वन, केवल कोविन ऐप या पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन कराएं। जब आप रजिस्ट्रेशन करें अपने वैक्सीनेशन के लिए तो सिर्फ कोविन ऐप या जो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत पोर्टल हैं वहीं से ही आप रजिस्ट्रेशन करें। हर कहीं आप किसी भी वेबसाइट जाके या किसी और दूसरे ऐप पे जाके ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे और वहाँ पे मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह जो भी आप जनरेट करेंगे और फिर डालेंगे तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको पता ही नहीं चले, और देखते ही देखते आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। इसीलिए किसी फर्जी वेबसाइट या फर्जी ऐप या फिर किसी फर्जी सेंटर पर जाके आप ऐसा ना करें। सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉलो प्रोटोकॉल है वही आप फॉलो करें, हर कहीं आप ना करें, इससे आप बच पाओगे। सेकंड, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, उसके बाद ओटीपी किसी को ना बताएं। आप ऐप पे या किसी वेबसाइट पे जाके, आप जो अधिकृत वेबसाइट वहां पे जहाँ पे कर रहे हो, जैसे आपने मोबाइल नंबर एंटर किया और फिर आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप हर किसी को ना बताएं। सिर्फ ओटीपी आप या तो स्वास्थ्य कर्मी को बताएं या फिर आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वहां पे सिर्फ एंटर करें, हर किसी को नहीं बताएं। हर किसी को आप बताएं तो आपको फिर आपको मुसीबत में पड़ सकते हो आप। थर्ड, स्लॉट बुक करने के बाद ओटीपी स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। जब आप वहां जाएंगे, स्लॉट बुक कर ली, और जब आप वहाँ वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक ओटीपी जनरेट करना होगा। वो ओटीपी आएगा तो वो स्वास्थ्य कर्मी को, उस स्वास्थ्य जो आपके टीका लग रहा है उसको आपको ओटीपी बताना होगा, और जब आप उसको ओटीपी बताएंगे तभी आपका वो सक्सेसफुल और वेरीफाई हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये स्टेप्स आप हमेशा ध्यान रखें। फोर्थ, आप एक मोबाइल से चार जनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपने कोविन ऐप या जो अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वैक्सीनेशन की, उसके ऊपर आपको पता होगा कि एक मोबाइल नंबर से आप चार जनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वो चार जने आपके परिचित होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो चार जने कौन है। हर किसी के भी आप जिसको आप जानते नहीं हो, किसी अनजान को आप उससे रजिस्ट्रेशन न करें, उससे करने से आप मुश्किल में फंस सकते हो या आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो चोरी हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। फिफ्थ, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जब आप वैक्सीनेशन कर लोगे तब उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। अब आपको पता है, जब बॉम्बे में जब ये मेट्रो हुआ था एक सोसाइटी में, तब आपको ध्यान रखना कि जब उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए पूछा तो उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बाद सर्टिफिकेट आएगा। ऐसा नहीं होता है, सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, और उस सर्टिफिकेट को कैसे जांचे कि वो सर्टिफिकेट असली है या नकली है, आप ध्यान रखें। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर एक QR कोड जनरेट होता है, उसको आप स्कैन करके असली नकली जान सकते हो। ध्यान रखना, जब भी आपके पास ऊपर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आएगा उसके ऊपर एक QR कोड भी आता है, उस QR कोड से आप उसको स्कैन करके, आप गूगल से स्कैन करके आप देख सकते हो कि असली है या नकली है। ये बहुत ही जरूरी है। कभी कभी जो ये फर्जी वेबसाइट वाले होते हैं,
फर्जी सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट को भी आपको असली या नकली की परखना है उसको। फिर उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप ध्यान रखना, आपका नाम आएगा, आपकी उम्र आएगी, आपका टाइम आएगा, किस वक्त आपने उससे वैक्सीनेशन की है, उस सेंटर का नाम आएगा और कौन सी वैक्सीन लगी है वो उसका भी आएगा। उसके बाद किस स्वास्थ्यकर्मी, उस स्वास्थ्यकर्मी का भी नाम आया है, ये ध्यान रखना, किस स्वास्थ्यकर्मी ने आपको वैक्सीनेशन लगाई उसका भी नाम आएगा। यह सारी जानकारी उस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, ये नोट करने की बात है। अगर इसमें अगर कोई गलती हो तो आप तुरंत रिपोर्ट करें, आप गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पर भी तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आज अगर आपको जो भी सर्टिफिकेट मिले उसमें ये सारी चीज़ें अगर कहीं से भी आपको मिस्टेक लग रही हैं तो तुरंत आपको रिपोर्ट करनी चाहिए कि हो सकता है कि आपको गलत वैक्सीन लगी हो। सेवन, नकली वैक्सीन का प्रभाव। नकली वैक्सीन का क्या प्रभाव होता है मैं बताऊं। जब आपको नकली वैक्सीन लगती है या कोई आपको ग्लूकोज ही लगा देता है उसको कोविन करके कुछ ऐसा करके, तो उसको कोई प्रभाव नहीं होता है, उसका कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखता है। जब आप ओरिजिनल वैक्सीन लगाओगे ना तो उसको आप कुछ न कुछ आपको सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि आपका हाथ दुखना हो गया, हल्का बुखार आना है, थकान आना है, ये आपको कुछ न कुछ ऐसे सिम्टम नज़र आएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सिम्टम अक्सर 80% लोगों को ही आए हैं, 80% लोगों को ही ये सिम्टम आते हैं। हालांकि किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो उसको वो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो डेटा आए हैं हमारे पास कलेक्शन हुए हैं, कम से कम 80% लोगों को तो ये फीलिंग आई है। और नाइन्थ, एट, सरकारी सेंटर या प्राइवेट अधिकार सेंटर पर ही जाएं। आप ध्यान रखना कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराया है या अगर आप कहीं पर भी कोविन वैक्सीन या कोई सी भी वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो अधिकृत जहां, अगर आप पहले तो आप सरकारी जहां सरकारी सेंटर है वहीं जाएं। अगर आपको लगे कि यार कि वहां सरकारी सेंटर पर नहीं पॉसिबल हो रहा है, अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जा रहे हो तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन जो प्राइवेट सेंटर पे जो अधिकृत होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, या जगह जब आप सेंटर स्लॉट अगर बुक करते हो तो उसमें भी प्राइवेट सेंटर आते हैं, वो अधिकृत सेंटर होते हैं। आप हर कहीं जाओगे जो अधिकृत सेंटर नहीं है तो वहाँ हो सकता है आपको गलत वैक्सीन भी लग सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि हर कहीं नहीं जाए, जहाँ जो वैक्सीनेशन का जो गवर्नमेंट जो सेंटर तय कर रखा है वहाँ पे ही जाइए आप। नाइन्थ, वैक्सीनेशन के एक माह बाद, हाँ इसके और ध्यान रखिए, वैक्सीनेशन के एक माह बाद अगर आपको लगता है कि यार क्या नहीं यार कि मैंने वैक्सीनेशन सही नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट हो तो आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट ये होता है कि एक महीने बाद आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद अंदर वैक्सीन अपना काम करना शुरू कर देती है, आपके अंदर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो आप भी एक महीने बाद ये टेस्ट करा सकते हैं, तो उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि आपके अंदर वैक्सीन लगी है या नहीं है, या फिर आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप जरूर ध्यान रखना। अगर आपको लगे ऐसा लगे कि यार मैंने वैक्सीन कहीं वैक्सीनेशन का अगर गड़बड़ हो गई है या फिर कहीं गलती से लग गई है तो आप एक महीने बाद एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आप क्या क्या सावधानी कर सकते हैं, जब आपको सर्टिफिकेट मिले सर्टिफिकेट में आपको क्या सावधानी रखनी है, जब आपको वैक्सीनेशन लगे तब आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आने चाहिए, और दूसरा अगर आपको फिर भी आप कहीं गवर्नमेंट सेंटर पर ही जाइए, अगर आप प्राइवेट पर जा रहे हो तो अधिकृत जाइए। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस फर्जी वैक्सीन से बच पाएंगे। और आप जानते हो कि आज की दुनिया पैसों के लिए फर्जीवाड़े कुछ भी कर सकते हैं। अपना जमीर, सामने वाला इंसान मर रहा है तो भी मरने देंगे, उनको पैसे से मतलब है, उनको ये नहीं मतलब है कि बेचारा उसके इससे उसकी जान पे बन रही है। तो थोड़ा सा तो आप लोग शर्म करो यार, जो फर्जी वैक्सीन बनाने वाले और जो फर्जी वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन नहीं, उनके कुछ नहीं, आज मैं उनके बारे में 10 बातें भी कह दूंगा तो भी उसको कोई फर्क, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्जी से अपना काम करते रहेंगे, धड़ल्ले से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अपन तो सही है ना, तो अपन को क्या करना है, अपन को सावधानी रखनी है और सावधानी से काम करना है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप वैक्सीनेशन करने जाएं तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं।